बच्ची गुरुजी में, मेरा नाम वर्षा है और आज मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो लेकर के आ गई हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, देश भर में बहुत सारे बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और ये बच्चे जी जान से एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसे हम आईएएस एग्जामिनेशंस के पैरंट नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में पहले हम थोड़ा सा जानेंगे, फिर हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशंस जो आते हैं वो दो पार्ट्स में होते हैं। एग्जामिनेशन, इसके बाद इंटरव्यू अलग होता है, यानी टोटल 3 स्टेजेस होती हैं इसके एग्जामिनेशन की। नंबर 1 पर आता है प्रीलिम्स, नंबर 2 पर आता है मेंस और नंबर 3 पर आता है इंटरव्यू। अब प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में आपका पेपर आता है ऑब्जेक्टिव पेपर, इसके बाद मेंस जो होता है वो आपका सब्जेक्टिव होता है। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर आते हैं, जीएस का पेपर, सीसैट का पेपर, जो कि ऑब्जेक्टिव होता है। इसके बाद जो मेंस पेपर होता है, मेंस में आपके काफी सारे एग्जाम्स होते हैं। जी हाँ, ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर होते हैं, आपके जीएस के पेपर होते हैं, आपके क्वालिफाइंग नेचर वाले पेपर होते हैं, लैंग्वेज पेपर होते हैं। इसके बाद आता है इंटरव्यू। आईएएस एग्जामिनेशन का इंटरव्यू तो पूरे इंडिया में काफी ज्यादा फेमस है, कितना टफ माना जाता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए, और इसी के साथ इसके पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होती। तो प्लीज आंसर्स गलत मत कीजिए, गलत आंसर टिक मत कीजिए। अगर आप क्वेश्चन में बिल्कुल श्योर हैं तभी उस क्वेश्चन को आप ज्वाइन कीजिए, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग से, 0.1 नेगेटिव मार्किंग से भी आपके रैंकिंग में काफी असर पड़ जाता है, लाखों रैंकिंग में असर पड़ता है। तो इस चीज का प्लीज ध्यान दीजिए, नेगेटिव मार्किंग में बिल्कुल मत पड़िए। दोस्तों, आज मैं आपके लिए यूपी के एक और बहुत ही फेमस शहर में आ गई हूँ। आपने ये नाम जरूर सुना होगा, बरेली। बरेली में बहुत सारे बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। वैसे पूरे यूपी में ही गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशंस बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, और स्पेशली यूपीएससी सिविल सर्विसेज की बात करें तो इसकी प्रिपरेशंस भी बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बरेली की। तो अगर आप भी बरेली में यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो की कुछ मिनट आपको बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन हमेशा लेनी चाहिए, ये नॉलेज का मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, हम ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जहां हमने हर इंस्टीट्यूट, जो टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके बारे में उसी एक वीडियो में आपको बताया है रैंकिंग वाइज, कौन सी रैंक पर कौन सा इंस्टीट्यूट है, उनका एड्रेस, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल सब कुछ हमने दिया है, और हर इंस्टीट्यूट के बारे में एक शॉर्ट कट डिटेल्स भी दी है। तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं जहाँ रैंकिंग वाइज हर इंस्टीट्यूट के बारे में आपको एक ही वीडियो में पता लग जाएगा। इसके अलावा हर इंस्टीट्यूट के बारे में इंडिविजुअल वीडियो, जहां इन डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मौजूद है, इन्फॉर्मेशन बताई गई है आपको उस इंस्टीट्यूट के बारे में, वो वीडियोस भी हम अपलोड कर चुके हैं। आप उन वीडियोस को भी हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इससे पहले आप ये लिस्ट देख सकते हैं रैंकिंग वाइज कौन सी रैंक पर कौन सा इंस्टीट्यूट है, हम वो वीडियो आपके सामने, हम वो लिंक आपके सामने दिखा सकते हैं, वो लिस्ट, उस लिस्ट में कौन सी रैंक पर कौन सा इंस्टीट्यूट है आप ये देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं प्रयास सिविल अकेडमी की। प्रयास सिविल अकेडमी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशंस के लिए पूरे बरेली में रैंक नंबर 7th पर आता है, यानी रैंक 7th का सबसे अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो इनके फीचर्स की बात करें तो इनके फीचर्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। जैसा कि हर फेमस इंस्टीट्यूट का होता है, इनका भी स्टडी मटेरियल आपको कोर्स के साथ ही प्रोवाइड किया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनके स्टडी मटेरियल के अलावा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के आपको अलग से नोट्स दिए जाते हैं, जहां टिप्स एंड ट्रिक्स के बेसिस पर कैसे आप शॉर्टकट में जल्दी से जल्दी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर ट्रिक्स आपको दी जाती हैं। उसमें में स्टेप बाय स्टेप आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ये इंस्टीट्यूट आपको बहुत ही यूनिक वे में पढ़ाता है, बहुत ही अच्छे वे में पढ़ाता है। इनके अलावा इनकी जो फैकल्टीज हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं इनकी। इसके बाद में ये फैकल्टीज आपके डाउट सेशन रेगुलर बेसिस पर लेती हैं, यानी जब भी आपको कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट में तो वो टाइमली क्लियर किया जाता है आपका, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर के जा सके। तो ये इंस्टीट्यूट आपको हर वे में हेल्प करता है आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, इंटरव्यू के लिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस भी यहाँ पर दी जाती हैं, और इनका फीस स्ट्रक्चर भी बाकियों के मुकाबले काफी ज्यादा नॉमिनल है।
इनकी डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप इन्हें विजिट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे पेज को भी विजिट कर सकते हैं। हमारे पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए। हमारी वीडियो को प्लीज प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करके आपके लिए ये वीडियोस लेकर के आते हैं। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे एक नई लोकेशन की, एक नई वीडियो की, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।